एक कहानी ऐसी जिससे रूह कांप जाए। एक सच्ची डरावनी कहानी। आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह एक सच्ची घटना से घटित है जो रवि नेम के लड़के के साथ हुआ है। तो आइए सुनते हैं रवि के साथ। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मेरा नाम रवि है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं। मेरे माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे गांव के पास एक जंगल था। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। मैं बचपन से ही साहसी रहा हूं। मुझे जंगल में जाना अच्छा लगता था। मैं अक्सर जंगल में घूमने जाता था। एक दिन मैं फिर से जंगल में घूमने गया था। मैं जंगल के बीच में था। अचानक मैंने एक बुरी तरह से डरावनी आवाज सुनी। आवाज मेरी तरफ आ रही थी। मैं बहुत डर गया। मैं भागने लगा, लेकिन आवाज भी मेरे पीछे भाग रही थी। मैं जंगल में इधर उधर भागता रहा, लेकिन आवाज मुझे छोड़ नहीं रही थी। अंत में मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं बहुत डर गया था। मैं अपनी सांस रोक कर बैठ गया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैं पेड़ से बाहर आया, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मैं जंगल से बाहर निकलना चाहता था। मैं जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं भूल गया था कि मैं जंगल में कहां आया था। मैं जंगल में भटकने लगा। मैं बहुत डर गया था। मैं रोने लगा। अचानक मुझे एक रोशनी दिखाई दी। मैं रोशनी की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव बहुत शांत था। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं गांव के बीच में आया। मैंने एक घर देखा। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर आई। मैंने महिला से मदद मांगी। महिला ने मुझे अंदर आने दिया। महिला ने मुझे खाना और पानी दिया। मैंने महिला को सारी बात बताई। महिला ने मुझे बताया कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने मुझे जंगल में जाने से मना किया। मैं महिला का धन्यवाद किया। मैंने महिला से कहा कि मैं अब घर जाऊंगा। महिला ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं जंगल से बाहर निकल गया। मैं घर पहुंच गया। मैं बहुत थक गया था। मैं सो गया। रात में मैंने एक सपना देखा। सपने में वही बुरी तरह से डरावनी आवाज आई। आवाज मुझे धमकी दे रही थी। मैं सपने में बहुत डर गया। मैं जाग गया। मैं बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैं जंगल में भूत प्रेत से मिल गया था। मैंने कभी किसी को अपनी कहानी नहीं बताई। मैं डरता था कि लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन आज मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग भूत प्रेतों से डरें। मैंने जंगल में कभी नहीं गया। मैं अब भी उस दिन की घटनाओं को सोचकर डर जाता हूं। अंतर, यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं आज भी उस दिन की घटनाओं को सोचकर डर जाता हूं। मेरी दादी मुझे एक भूत के बारे में एक कहानी सुनाया करती थी, जो बचपन में उनके पुराने घर को परेशान करता था। घर एक बड़ी विक्टोरियन हवेली थी, जो पीढ़ियों से उसके परिवार में थी। यह एक सुंदर घर था, लेकिन यह भी बहुत पुराना और चरमरा गया था। एक रात जब मेरी दादी लगभग 8 साल की थी, तो वह अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर दालान में कदमों की आवाज से आधी रात को जाग गई। वह बिस्तर पर लेट गई, कदमों को सुन रही थी, क्योंकि वे करीब और करीब आ रहे थे। वह डर गई थी, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। कदम उसके दरवाजे के बाहर रुक गए। मेरी दादी ने अपनी सांस रोक ली, इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होगा। अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। वह एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सफेद पोशाक और एक काला शॉल पहना हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल और नीली आंखें थीं। मेरी दादी ने डरावनी हालत में बूढ़ी औरत को देखा। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानती थी कि वह एक भूत था। बूढ़ी औरत मेरी दादी को देखकर मुस्कुराई। फिर वह मुड़ा और चला गया। मेरी दादी आश्चर्य से देख रही थी, क्योंकि बूढ़ी औरत हॉलवे से गायब हो गई थी। अगली सुबह मेरी दादी ने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे बताया कि उसने एक बुरा सपना देखा होगा, लेकिन मेरी दादी जानती थी कि उसने क्या देखा था। वह जानता था कि उसने भूत देखा है। कुछ हफ्ते बाद मेरी दादी अटारी में खेल रही थी, जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा।
बूढ़ी औरत एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठी थी, बुनाई कर रही थी। वह मेरी दादी को देखकर मुस्कुराई और हाथ हिलाया। मेरी दादी डरी हुई थी लेकिन वह उत्सुक भी थी। वह बूढ़ी औरत के पास गया। हेलो, मेरी दादी ने कहा। मेरा नाम सारा है। हेलो सारा, बूढ़ी औरत ने कहा। मेरा नाम एमिली है। एमिली ने मेरी दादी से काफी देर तक बात की। उसने पुराने घर और उन लोगों के बारे में अपनी कहानियां सुनाई जो पहले वहां रहते थे। मेरी दादी को एमिली से बात करना बहुत पसंद था। वह एकमात्र थी जिसने भूत के बारे में उस पर विश्वास किया था। एक दिन मेरी दादी ने एमिली से पूछा कि वह घर को क्यों परेशान करती है। एमिली ने आह भरी। मैं यहां फंस गया हूं, उसने कहा। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि मैंने जो शुरू किया उसे पूरा नहीं कर लेता। तुमने क्या शुरू किया, मेरी दादी ने पूछा। एमिली मुस्कुराई। यह एक रहस्य है, उसने कहा, लेकिन एक दिन आप इसे खत्म करने में मेरी मदद करेंगे। मेरी दादी ने एमिली को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूला और वह हमेशा सोचती थी कि एमिली का रहस्य क्या था। एमिली कई साल बाद जब मेरी दादी अपने 70 के दशक में थी तो वह एक शाम अपने घर के पोर्च पर बैठी थी जब उसने एमिली को फिर से देखा। एमिली यार्ड के किनारे पर खड़ी थी, मेरी दादी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी दादी खड़ी हुई और एमिली की ओर चल पड़ी। एमिली, उसने कहा, यह इतना लंबा हो गया है। हाँ यह है, एमिली ने कहा, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूं और अब समय आ गया है कि मैंने जो शुरू किया था उसे पूरा करूं। दादी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने कहा, और मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं, एमिली मुस्कुराई। धन्यवाद सारा, उसने कहा, मैं इसे तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था। एमिली और मेरी दादी एक साथ यार्ड में चले गए। वे छाया में गायब हो गए और मैंने उनमें से किसी को फिर कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि एमिली का रहस्य क्या था या उसे मेरी दादी की मदद की क्या जरूरत थी, लेकिन मुझे पता है कि वे दोनों अब शांति में हैं। समाप्त। मुझे उम्मीद है कि कहानी का यह विस्तारित संस्करण आपकी पसंद के अनुसार है। मैंने नई जानकारी और विवरण जोड़कर खुद को दोहराने से परहेज किया है, जैसे कि यह तथ्य कि मेरी दादी ने कई साल बाद एमिली को फिर से देखा और एमिली को जो शुरू किया उसे पूरा करने के लिए उसकी